छोटी फैमिली, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे, और आपकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? अल्लाह के फजलो करम से आप ठीक होंगे तो हम भी अल्लाह के फजलो करम से ठीक ठाक है। चलें जी, आज भी हम बनाएंगे बहुत प्यारा हेयर स्टाइल, बहुत डिसेंट और उतना ही इजी भी। चलते हैं हम अपने हेयर स्टाइल की तरफ। चलें जी, तो सबसे पहले हमने सारे बालों को अच्छी तरह से कॉमिंग कर लिया हमेशा की तरह। उसके बाद हमने राइट साइड से इतने बाल निकाल लिए, कानों के आगे वाले इतने बाल, लेफ्ट साइड से भी इतने ही बाल हम लोगों ने निकाल लिए हैं, और बाकी जो हमारे बाल बैक साइड पे ओपन थे उन बालों को हम पोनीटेल कर रहे हैं। सारे बालों को आप लोगों ने कवर कर लेना है। इतने वाले बाल जो हैं कानों के आगे वाले हिस्से के बाल वो आगे छोड़ने हैं, ठीक है? इतने इतने बाल दोनों साइडों से, और बाकी जो बाल हैं उनको जो है हम रबर बैंड लगा के अच्छी तरह से टाइटली जो है वो सिक्योर करेंगे, ताकि वो ओपन ना हो जाएं और हमें जो है वो तंग ना करें। ये जी, हमने बैक साइड वाले बालों को कवर कर दिया है पोनी टेल की मदद से। अब ये जो हमारे आगे वाले बाल हैं, और ये हमारी जो है वो राइट साइड है, राइट साइड के जो बाल है इसको हमने कॉम किया अच्छे तरह से। अब जी हमने यहाँ से बालों की एक लेयर उठानी है, यहाँ दरम्यान में से, इधर से टेल कॉम जो है इसकी मदद से काफ़ी जो है वो हेयर स्टाइल वो आसानी से बन जाते हैं, मतलब आपको काफ़ी जो है वो आसानी हो जाती है। कोशिश करें इस तरह की जो चीज़ें हैं जो बहुत चीप प्राइस में आपको मिल जाती हैं और बहुत काम की भी होती हैं, और लड़कियों के लिए तो फिर स्पेशल ये चीज़ें काम की होती ही हैं, क्योंकि ये चीज़ें बनी ही लड़कियों के लिए हैं, तो फिर हमारे काम की तो होंगी ये। इस तरीके से हमने यहाँ से जो है बालों की लेयर उठाई, और उस लेयर के हमने जो है वो तीन हिस्से बना लिए, थ्री सेक्शन हमने बनाए, और उसके बाद हमने उसको जैसे सिंपल चुटिया करते हैं ना, सादी चुटिया, सिंपल ब्रेड जो है स्टार्टिंग हमने वहाँ से करनी है, और उसके बाद हमने यहाँ से जो है ना वन बाय वन करके बालों की लेयर उसमें ऐड करते जाना है। अपनी सादी चुटिया में, सिंपल ब्रेड में हम वन लेयर यहाँ से जो है वो उठाएंगे और ब्रेड में ऐड करेंगे। इसकी मदद से जो हम लेयर उठाते हैं ना, जो बालों का सेक्शन उठाते हैं टेल कॉम की मदद से, वो बहुत नीटली जो है ना वो, ये देखिए हम पूरी एक सीधी लाइन बनी है। अगर हम फिंगर की मदद से भी कर सकते हैं, बट वो इतना नीट नहीं बन पाता जितना हमें चाहिए होता है। ये देखिए अभी कितना नीट बना है। ये इसकी मदद से हम इस तरीके से लेयर्स उठाएंगे। आपका दिल चाहे तो कम जो है लेयर उठा सकते हैं, मतलब थोड़ी बारीक उठा लें, दिल चाहता है तो मोटी मोटी लेयर भी उठा सकते हैं, ये आप लोगों की जो है वो अपनी चॉइस है। ये देखिए ये जितने हमने बाल आगे के छोड़े हुए हैं ना, ये सारे हमने कवर करने हैं। ये हम बड़ा ही एक अच्छा सा डिसेंट सा हेयर स्टाइल बनाएंगे। हर चीज जो है वो सीजन के लिहाज से ही अच्छी लगती है, तो हमें भी उस लिहाज से जो है वो चलना चाहिए। जैसे कि हम विंटर के जो कपड़े होते हैं वो गर्मियों में हम नहीं पहन सकते, सर्दियों के कपड़े, और गर्मियों के कपड़े हम सर्दी में नहीं पहन सकते, तो ऐसी मतलब चीज़ें होती हैं जो स्पेशल जो है ना वो ख्याल रखना चाहिए। ये देखिए कितने अच्छे लेयर्स हमारे बने हैं, बहुत नीट होके, और बाकी बालों के हम इस तरीके से सादी जो है वो चुटिया करेंगे। ये देखिए कॉमिंग
तो हमने साथ साथ जरूर कर लिए, ठीक है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका हेयर स्टाइल जो है वो बहुत नीट एंड क्लीन बने, तो उसके लिए आपको कॉम्बिंग जो है वो साथ साथ करनी पड़ेगी। अब जी ये जो ब्रेड है वो मुकम्मल करते करके तो फिर हम आपसे जो है वो मिलते हैं। चलें जी, ये ब्रेड हमने पूरी मुकम्मल कर ली है। अब इसको ये जो हमने बैक साइड पे पोनी टेल की है अपने सारे बालों की, इसके ऊपर हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। अब जी हम यहाँ ये बना के फिर आपसे मिलते हैं। ये देखिए, मैंने कहा चले ऑन कैमरा ही आपको बताते हैं स्टार्टिंग से। अब इस साइड पे तो हमने ये फ्रेंच ब्रेड दी है ना, अब इस साइड पे हम इसको थोड़ा डिफरेंट दिखाने के लिए ना, ये जो हमने आगे बाल छोड़े थे उसको हम यूं हल्का सा लेयर देंगे और बाकी बालों को ट्विस्ट करके अपनी पोनीटेल के ऊपर उसको फोल्ड करेंगे, जैसे हमने ये वाली ब्रेड को किया था ना। अपनी बैक जो हमने पोनीटेल की हुई है वैसे ही इसके साथ भी हम ऐसा करेंगे, बट इसको हमने थोड़ी सी लेयर देनी है इस तरीके से। यूं नहीं सारे पीछे ले जाने पर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, कान के ऊपर रख के हमें लेयर देनी है। इससे हम बहुत ही ना एक डिफरेंट सा हेयर स्टाइल बन जाएगा ये। देखिए मैं दिखाती हूँ, ये देखिए सारी पोनीटेल है हमारी। इसका दिल चाहे तो ब्रेड बना ले, दिल चाहे बन बना ले, ऐसे ही छोड़े तो और ज्यादा खूबसूरत लगेगा। बट सारे बालों को कवर करना चाहती हैं तो फिर आपने आपकी मर्जी की बात है, आप इसको बन की शेप में दे दें, ब्रेड बना लें, या जो आपका दिल चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। चलें जी, तो उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कीजिएगा लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा याद। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।